कप्तान रोहित ने नहीं दिया टीम में मौका तो शिखर धवन ने क्रिकेट को कहा अलविदा। सुबह सुबह शिखर धवन ने वीडियो बनाकर अपने संन्यास का कर दिया ऐलान। रिटायरमेंट को क्यों मजबूर हुए धवन, एक मिनट के वीडियो में बता दी सारी सच्चाई। बाएं हाथ के धासु बल्लेबाज शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर धवन को संन्यास के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। शिखर धवन ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ चट्टोग्राम में खेला था। अपने टेस्ट डेब्यू में धवन ने 187 रनों की शानदार पारी खेली थी। हालांकि 14 साल बाद उन्होंने क्रिकेट के सफर को विराम दे दिया। धवन ने संन्यास लेते हुए कहा कि वो सुकून में हैं। रिटायरमेंट लेते हुए उन्हें किसी बात का कोई दुख नहीं है क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत खेला है। वहीं शिखर का आखिरी टेस्ट मुकाबला सितंबर 2018 में था, जबकि आखिरी टी20 मुकाबला 2021 में खेला था। जबकि आईपीएल में आखिरी क्रिकेट मैच 9 अप्रैल 2024 को उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ खेला था। इन तारीखों को देखें तो साफ है कि शिखर धवन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए चयनकर्ताओं की प्राथमिकता लिस्ट में थे ही नहीं। शिखर ने टीम इंडिया के लिए 2 साल पहले अपना मुकाबला खेला था, वही बीते आईपीएल में पंजाब किंग्स का हिस्सा थे। हाल के वर्षों में शिखर धवन का आईपीएल करियर भी कुछ खास नहीं चल रहा था। 2024 के आईपीएल संस्करण में धवन पंजाब किंग्स का हिस्सा थे, लेकिन टूर्नामेंट के ज्यादातर मैचों में वो बेंच पर बैठे रहे। पंजाब किंग्स का नेतृत्व इंग्लिश खिलाड़ी सैम करन ने किया। दरअसल 2024 के आईपीएल में पंजाब किंग्स ने धवन को शुरुआती 5 मैचों में खिलाया, लेकिन उसके बाद उन्हें मौका नहीं मिला था। लेकिन टीम का प्रदर्शन भी ऐसा नहीं था कि उन्हें प्रभावशाली कहा जा सके। टूर्नामेंट के बीच में पंजाब किंग्स ने अपना कप्तान को बदल दिया। धवन से कप्तानी तो छीन ही गई, उन्हें प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं मिली। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार करिश्माई कप्तान एमएस धोनी ने रोहित शर्मा और शिखर धवन को ओपनिंग करने के लिए उतारा था। तभी से दोनों भारतीय बल्लेबाजी की नींव बन गए थे। इन्होंने मिलकर टॉप ऑर्डर में ढेरों रन कूटे। रोहित शर्मा के साथ धवन ने दुनिया को हर मैदान में रन बनाए। बड़े से बड़े गेंदबाज इनकी बल्लेबाजी देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। सिलेक्टर शिखर धवन को लंबे समय तक नजरअंदाज करते रहे, जिसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने को मजबूर हुए। रोहित शर्मा की तरह ही शिखर धवन तूफानी बल्लेबाजी में माहिर थे। शिखर धवन को टीम इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर माना जाता था, लेकिन फॉर्म में अनिरंतरता उनके करियर की सबसे बड़ी रुकावट बन गई। दिग्गज ओपनर शिखर धवन के पास बड़े टूर्नामेंट जिताने का अनुभव रहा है। भारत ने साल 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था, जिसमें धवन का बड़ा रोल रहा। साल 2013 में शिखर धवन ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 363 रन बनाए थे। धवन के आंकड़ों को देखा जाए तो वह क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में अव्वल खिलाड़ी दिखाई देते थे। आईपीएल में शिखर धवन ने दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का प्रतिनिधित्व किया है। आईपीएल में धवन का बल्ला खूब चला। विराट कोहली के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में धवन दूसरे स्थान पर हैं। 127.14 की औसत से धवन ने 221 पारियों में 6,769 रन कूटे हैं। तो ये है वो सबसे बड़ा कारण जिससे शिखर धवन को संन्यास लेने पर मजबूर होना पड़ा। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।